गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक है, कल हमने जो टॉपिक कराया, आज हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट इंजरीज, जो ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट होता है स्पोर्ट इंजरी में। ठीक है, हमने कल जो कराया था क्लासिफिकेशन ऑफ बोन कराया था, उसमें सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कराई थी, ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरी का पार्ट है। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी का पार्ट है। उसमें जो जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में इंजरीज होती है, इट इज द सुपरफिकल इंजरी ऑफ स्किन ड्यूज ऑफ रबिस स्क्रैबिंग, रबिस यानी कि घिसट लगना या रोच आ जाना। एब्रेक्शन इज द स्क्रैपिंग इंजरी ऑफ द स्किन एंड पार्ट ऑफ स्किन लॉस, स्किन लॉस हो जाती है जो एब्रेक्शन है। एब्रेक्शन होता है, एब्रेक्शन में बोला जाता है घिसट लग जाना, यानी कि स्क्रैबिंग और रबिंग हो जाती है। इट कॉसेज ऑफ पेन समथिंग ब्लीडिंग, यानी कि कुछ टाइम ब्लीडिंग भी हो जाती है। द फंक्शन ऑफ सम इक्विपमेंट फिलिंग ऑफ ग्राउंड, यानी ग्राउंड से स्क्रैच हो जाता है, लाइक दिस वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, ट्रैक एंड फील्ड, हॉकी, फुटबॉल एंड रेसलिंग। ये जो इंजरी होती है ये इन गेमों में होने के चांसेस रहते हैं। कॉसेस ऑफ एब्रेक्शन, एब्रेक्शन अक्रॉस ड्यूज ऑफ द रबिश एंड स्क्रैबिंग स्किन, फंक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट इक्विपमेंट विद इट, प्रिवेंशन ऑफ एब्रेक्शन, इट कैन बी प्रोवाइड ऑफ यूज प्रॉपर्टीज इक्विपमेंट लाइक हाइट, स्टिक, नी पैड, एल्बो एक्स्ट्रा, वॉलीबॉल प्लेयर आर नी ग्लव्स एंड नी पैड प्रोवाइड ऑफ द एब्रेक्शन नीज, यूज ऑफ गुड क्वालिटी इक्विपमेंट, यूज ऑफ गुड क्वालिटी फुटवेयर, ऑलवेज प्लेयर ऑफ वेल लेवल्ड प्लेयर फील्ड, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट आफ्टर द एरिया ऑफ क्लोज एंड सिंपलेबल ड्यूज ऑफ क्लियर ऑफ वुड, एब्रेक्शन ऑफ क्लियर बिकॉज ऑफ इंक्रेंट सो क्लियर ऑफ टूगेदर राउंड ऑफ द डार्क ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राउंड ड्यूरिंग द हाइट हेल्दी स्किन ऑफ प्लेयर्स। नेक्स्ट है कंट्रक्शन, कंट्रक्शन में नीला पड़ जाना, नीले पड़ जाने की चोट लगती है, नीला ब्लीडिंग अंदर ही जमा हो जाती है। कंट्रक्शन मसल्स आर वेरी क्रॉस बिकॉज ऑफ द एल्बो ब्लो अगेंस्ट स्किन ऑफ डायरेक्ट हिट एंड स्पॉट इक्विपमेंट अगेंस्ट ऑफ द स्किन रिजल्ट ऑफ ब्लीडिंग ऑफ स्किन, ब्लीडिंग स्किन में ही ये रह जाती है। ब्लड टिश्यूज आर मसल्स एवरी ब्रोकन ऑफ ब्लीडिंग, यानी कि ब्लड टिश्यूज ब्लीडिंग को रोक देते हैं अंदर ही इंटरनली। सच स्किन क्रॉस ऑफ स्पॉट ऑफ बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बॉक्सिंग एंड हैंडबॉल, ये इन गेमों में होने के चांसेस रहते हैं। कॉसेस द इट क्रॉस अक्रॉस बिकॉज ऑफ डायरेक्ट ऑफ बिलो अगेंस्ट स्किन डायरेक्ट हिट ऑफ स्पॉट इक्विपमेंट, प्रिवेंशन, इट कैन बी प्रोवाइड ऑफ स्किन इक्विपमेंट, क्रिकेट प्लेयर यूज एल्बो ग्राउंड ऑफ प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, द फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ द ड्यूज ऑफ टिश्यू इंजरी इन प्रोवाइड स्टॉप ऑफ रिक्वायर्ड स्वेलिंग वैन सो सॉफ्ट टिश्यू वैन सॉफ्ट टिश्यूज इज डैमेज इज स्वेलिंग बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग इमिजिएटली दैन स्वेलिंग क्लोज causes pain of loss of maintain of the limit use of muscles. The primary treatment stop of swelling injury soft tissue injury of prize. Prize means protection rise. हमारे जो main treatment है swelling के लिए आती है, swelling के लिए जो treatment आता है swelling, इसके लिए ट्रीटमेंट आता है प्राइज, पी आर आई सी ई, प्राइज मैंने पी में, पी का अलग होता है पी आर आई सी ई,
प्रोटेक्शन रेस्ट आइज कंप्रेशन एंड इवेलेशन तो ये ट्रीटमेंट हमारा डिफरेंट जो ट्रीटमेंट जो मिलता है डिफरेंट जो हमारी इंजरीज होती है टिश्यू इंजरी होती है उसमें होता है ठीक है। प्रोटेक्शन इज द केस ऑफ प्रोटेक्शन मींस सपोर्टिंग ऑफ एक्टिव लिमिटेड एंड प्रोडक्ट ऑफ इंजरी पार्ट ऑफ एडिशनल डैमेज रेस्ट रेस्ट एरियाज ऑफ प्रोवाइड सम ऑफ टिश्यूज टाइम ऑफ होल्डिंग आइज अप्लाई कोल्ड थेरेपी to you against of injury required of swelling of the pain compression of the injury of the nest important immediately treatment tip by the quickly various injury part of the damage evaluation evaluation is the injury areas of around another way of recording blood flow of the swelling area next हमारे लिकरेशन घाव एकदम से तीखा घाव बन जाता है लिकराइजेशन इंजरी ऑफ पार्ट ऑफ रिजल्ट ऑफ द रेगुलरली बैक ऑफ स्किन यानी कि स्किन के अंदर से हमारे घाव बन जाता है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लिकराइजेशन कट ऑफ अक्रॉस ऑफ द टाइप ऑफ ब्लीडिंग स्टॉप ऑफ द स्पॉट इक्विपमेंट कैन बी कनेक्ट ऑफ द स्किन प्रिवेंशन है हमारे प्रॉपर वार्म अप बिगनिंग द ट्रेनिंग कॉम्पिटिशन यूज ऑफ क्वालिटी इक्विपमेंट वेयर ऑफ क्लॉथ प्रॉपर क्लॉथ ट्रीटमेंट स्टॉप द ब्लीडिंग फ्रॉम द ब्लीडिंग बाय अप्लाई ऑफ द डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई एरोबिक ऑक्टेनेंट ऑफ द रिकॉर्ड चेंज ऑफ द इंजेक्शंस सेल कॉल और हेल्थ केयर प्रोवाइड ऑफ नेसेसरी नेक्स्ट हमारी इंसिजेंस पर जो हमारी इंजरी होती है इंसिजेंस वुड ऑफ द स्पॉट ऑफ कट इंजरी यानी कि इसमें चीरा पड़ जाना यानी कि हमारी जो स्किन है वो कट के अलग अलग हो जाती है दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है और ब्लीडिंग होने लगती है प्रिवेंशन प्रॉपर वार्मिंग अप ऑफ द सेम है प्रॉपर वार्मिंग अप हमें करना चाहिए कॉम्पिटिशन से पहले गुड क्वालिटी इक्विपमेंट हमें यूज़ करना चाहिए प्रॉपर क्लॉथ पहनने चाहिए ट्रीटमेंट भी सेम होता है हमारा लिकराइजेशन का तरह नेक्स्ट हमारी मोच और स्प्रेन को बोला जाता है मोच ये लिगामेंट के कारण होता है लिगामेंट हमारे जो जॉइंट होते हैं वहाँ से लिगामेंट टूट जाते हैं तो वहाँ पे मोच बोला जाता है ये दो जगह होती है एंकल में होती है और एंकल में ज़्यादातर एंकल में ही होती है ठीक है। लिकराइजेशन लिगामेंट सेल स्प्रेन इज द ट्रेनर ऑफ द लिगामेंट ऑफ जॉइंट दिस आर टिश्यू अराउंड ऑफ द जॉइंट इन ए स्प्रेन फिजियोलॉजिकल लिमिट मूवमेंट सपोर्टिंग एंड लिगामेंट जॉइंट ऑफ मूवमेंट बिहाइंड ऑफ द लिमिट द जनरली इन्वॉल्व ऑफ द पुल एंड इन्वॉल्व इवन ऑफ द कैपेबल लिगामेंट प्रोसीजर कॉसेस वर्किंग और एक्सरसाइज सफरिंग प्रोवाइड ऑफ द ड्यूरिंग एथलीट इवेंट ट्रीटमेंट में हमारा सेम प्राइस वाला ट्रीटमेंट है जो हमने प्राइस वाला ट्रीटमेंट बताया था इसमें भी सेम प्राइस वाला ट्रीटमेंट ही यूज होगा। नेक्स्ट है स्प्रेन आता है मांसपेशियों में खिंचाव कैसे आता है हम कोई वर्क करते हैं हमारी मांसपेशियाँ फुल हो जाती है अवर हो जाती है स्प्रेन इज अवर स्ट्रेचिंग यानी कि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वर्क करने पे हमारी मांसपेशियाँ अवर हो जाती है मसल्स प्रोवाइड ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड ऑफ द एंटर मसल्स फुल कंडीशन ऑफ द रेगुलरली हैपन ड्यूरिंग द टिश्यूज ऑफ द इफेक्ट ऑफ हैविंग हैवी वेट ट्रेनिंग एंड हैवी वर्कलोड से ये होता है कॉसेस स्ट्रेन इज द टिश्यूज ऑफ पुलिंग मसल्स ऑफ टेंडन और मसल्स हमारी फुल हो जाती है द कट ऑफ ट्रेन यूज ऑफ द लिमिट इन द बॉडी बिलो
प्रिवेंशन प्रिवेंशन प्रॉपर हमें वार्मिंग अप करना चाहिए, हमारी जो बॉडी है वो स्ट्रेचेबल होने चाहिए और स्ट्रेंथ हमारी पूरी होनी चाहिए। ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, ये प्राइस वाला हमारा सेम लगेगा, इसमें सेम होता है। ये हमारे प्राइस वाला जो ट्रीटमेंट है वो तीन हमारी जो इंजरीज होती है उनमें होता है, स्ट्रेन, स्प्रेन और कॉन्ट्रक्शन, नीला पड़ जाना, जहाँ पर हमारे घाव अंदर ही इंटरनल स्किन के होते हैं वहाँ पर प्राइस वाला ट्रीटमेंट चलता है। ठीक है, आज हमने आपको जो बताया, आपको बताया बेटा, आज हमने जो ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट इन स्पोर्ट्स बताया सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। कल का हमारा टॉपिक रहेगा बोन एंड जॉइंट इंजरी। ठीक है, बोन एंड जॉइंट इंजरी हम ये कल आपको बताएंगे। आज हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। मैं समझता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। जो आपके बेटा आपके समझ में नहीं आया तो आप मेरे से इंडिविजुअल संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू टुडे, दैट्स ऑल।